गन्ने में स्थायी वृद्धि लाने के प्रयासों में कलिका चिप्स यानी बट चिप्स का प्रयोग बीज बहुगुणन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन पौधों का वितरण भी शामिल है। इस विधि से गन्ना सामग्री का आयतन में 80-90% तक कम हो जाता है। इससे उपयोगी बीज का स्थानांतरण व उसकी चढ़ाई उतराई आसान हो जाती है। स्वस्थ कलिकाओं के प्रयोग से रोगी व संक्रमित बीज से राहत मिलती है। इससे बीज जनित रोगों व हानिकारक जीवों के स्तर को कम भी किया जा सकता है। ये तकनीक कम महंगी है तथा इससे मजदूरी लागत में भी बचत होती है। ये प्रजनन बीज और आशाजनक बीज स्टॉक के बहुगुणन के लिए भरोसे वाली विधि है। गन्ने से कलिका चिप्स लेने के बाद बचे गन्ने से रस निकाल उसे चीनी व गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बीज बहुगुणन के लिए कलिका चिप्स बनाने की प्रक्रिया में एक विशेष क्रम को अपनाया जाता है। सबसे पहले स्वस्थ गन्नों का चुनाव किया जाता है। इसके लिए गन्ने की फसल 6-8 महीने की होनी चाहिए। अगर फसल उससे अधिक आयु की हो तो गन्ने के निचले 1 मीटर हिस्से से कलिका चिप्स नहीं लेने चाहिए। कलिका चिप्स को चिपिंग मशीन से बनाकर हाथों से इकट्ठा कर उन्हें छाया में 2-4 घंटे के लिए सुखाया जाता है। कलिका चिप्स को 0.1% मेलाथियन और 0.1% कार्बन डाइजीम के हानिकारक जीवनाशी घोल में 10 मिनटों के लिए डुबोया जाता है। इसके बाद उन्हें छाया में 2 घंटे के लिए सुखाया जाता है। अगर उन्हें स्थानांतरित किया जाना है तो उन्हें नालीदार कागज के डब्बों में पैक करने से पहले छेदों वाले पॉलीबैगों में रखा जाता है। कलिका चिप्स से उगाई जाने वाली नर्सरी के लिए सबसे पहले अच्छी गली सड़ी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या प्रेस मड को नारियल के रेशों के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर एक सा मिश्रण बनाएं। इस कार्य को पौध तश्तरियों में भी किया जा सकता है। इसके बाद इनमें कलिका चिप्स को खड़े खंबे की तरह पौध तश्तरियों में रोपित कर हल्की सिंचाई की जाती है। पौध तश्तरियों के चट्टे लगाकर उन्हें तिरपाल या पॉलिथीन की चद्दर से 5-7 दिन के लिए ढक दिया जाता है। इससे कलिका चिप्स का अंकुरण तीव्रता से हो पाता है। अंकुरण के बाद पौध तश्तरियों को कोहरे भरे कक्ष में या जालीदार घर में रखते हैं। इसमें फुहारे की मदद से या कोहरा पैदा करने वाले यंत्र द्वारा बार बार सिंचाई की जाती है। रोपण के 15-25 दिन बाद पौध पर 1% यूरिया का छिड़काव किया जाता है। कीट आक्रमण, रोग संक्रमण और पोषक तत्वों की कमी के लिए नियंत्रणक उपाय अपनाए जाते हैं। कलिकाओं के आसपास के माध्यम को हल्के से पलटा जाता है ताकि बेहतर अंकुरण व वृद्धि संभव हो। 4-6 सप्ताह बाद पौध को माध्यम समेत खेत में 150-60 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे खड्डों में आरोपित कर दिया जाता है।